चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। ये दरवाजा खोलना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद ये खोलने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर अपने भारी से स्पेस सूट में ये बाहर चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह इतनी ज्यादा नहीं थी तो अनजाने में ऊपर से टकरा कर लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है, तो आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती, कोई आवाज नहीं सुनाई देती उन्हें। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये एक बहुत ही जरूरी पीस था। ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनर मॉड्यूल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस धरती पर नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से ज्यादा सालों बाद बहुत से लोग मानने से ही इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग थ्योरीज बनाते हैं अपनी और कहते हैं कि ये पूरी चीज अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला, नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर बिना हवा के। क्या है इस सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 3, 2, 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a steerable, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. दोस्तों आप शायद हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असली वजह थी एक वॉर। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वॉर जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रही थी। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने की एक रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुटनिक और ये पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जिसे धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है देखकर कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गए। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 को। वो पूछते हैं उनसे आखिर कैसे हम सोवियट्स को हरा सकते हैं, बाय पुटिंग अ लेबोरेटरी इन स्पेस और बाय अ ट्रिप अराउंड द मून। Are we working 24 hours a day on existing programs? If not, why not? Are we making maximum effort? कोई और ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से कर सकते हैं जिसकी वजह से ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिले और हम इस रेस में आगे निकल जाएं, जीत जाएं। इसका जवाब इन्हें कुछ ही दिनों बाद मिल जाता है क्योंकि जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 को अपने ये फेमस भाषण में वादा करते हैं दुनिया के सामने कि ये दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे, और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उसे सेफली वापस धरती पर लेकर भी आएंगे। Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. बहुत से लोगों के लिए ये एक अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी। साल 1961 इमेजिन करो दोस्त, कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, जीपीएस की टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, कंप्यूटर्स इतने पुराने हुआ करते थे, और ऐसे जमाने में ये प्रॉमिस करने लग रहे हैं कि हम इंसानों को चांद तक भेजेंगे।